नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बूटी का नाम है, इसको पंचफूला कहते हैं और इसको डोगरी में उजड़ू कहते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि उजड़ू के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इरे पर एक तां फुल लगदे लाल होंदे, पीड़े चितल मितले फुल होंदे रे, पर कहने इरे फल जड़े होंदे ने हैं, ये फलों के बारे तुम जानते हैं, ये तो इरे पर फल होंदे ने। तो तुम्हारे उजड़ुए के बारे में तो हर कोई जानता है। तो दोस्तों मगर हाँ जानते नहीं कि उजड़ुए के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों अगर किसी के सर में अचानक दर्द हो गया और अचानक दर्द होने से अब हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमने क्या करना है, इसकी जो पत्तियां हैं इसको हमने मसलना है, ऐसे ऐसे करना है, मसल कर इसको सूंघ लेना है। तो उससे क्या होता है कि जो सर का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंबर दो, किसी को अगर लकवा है और जोड़ों में दर्द है तो उसने क्या करना है, इसके फल पत्तियाँ और फूलों का जो काढ़ा है वो पीना है। वो काढ़ा पीने से लकवा जो होता है और या किसी को मलेरिया है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों उजड़ू उजड़ा बड़ा फायदेमंद है, कहना अहें इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो दोस्तों यो लताना भी बोलते ने, इरा ना गनेरी भी है, कने बैका छेदी ये संस्कृत से बोलते ने, कने ये जरा अगर किसी जो मनी लो कि थोड़े मल मच्छर मारने आई दुआ नहीं, तो तुम्हें क्या करना कि इरे जो पत्ते है इरे पत्ते जालने ते मच्छर जरा से दौड़ी जाता मरी जाता। कने पानी च भी अगर इरे पत्ते कने फल पाए देन तो पानी च भी मच्छर पैदा नहीं होता। और अगर किसी के दंदा विच प्रॉब्लम है तो इरिया जड़ियाँ जड़ा होंगे ने, जड़ा इरे पैर च होंगे थल्ले, तो जड़ा का जरा पानी च उबालनी है, कने उरा काढ़ा बनाए ना पेरी उरे ना कुरूला करना, तो कुरूला करने ते जरा दंद जड़े होंगे दर्द उरा बिल्कुल ठीक हो जाता। तो दोस्तों ये जी उजड़ू है ना, उजड़ू के बड़े फायदे ने। अगर तुम तो लगता है कि अगर तुम तो और भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम इरा काढ़ा पी सकते, उजड़ू कोई नुकसानदेह नहीं है। मगर इतू क्या है कि तू बूटी ज़्यादा होने के कारण लोग कंडिया से डरते रहे हैं, तो कंडिया के कारण क्या होता कि हाँ इससे बड़ा परेशान होंगे, क्योंकि अनवांटड बूटी है बड़ी भारी हो जाती साढ़े खेतों च, तो हाँ इससे दुखी हो जाते हैं। तो इन्ना करना कि कुछ भी तुम कोई प्रॉब्लम हो तो तुम इरा काढ़ा पी लेना। अगर तुम कुछ लगी हो चोट चाट मनिया कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो तुम क्या करना उरे पर लेप लगाना, इन्हें पतुआ का लेप, पत्ते नहीं होंगे ये पत्ते पत्तियां का लेप लाना, लेप बनाई ना अपनिया उस जगह पर लाना, तो जरा जख्म है बिल्कुल ठीक हो जाना। अगर किसी का सर्दी खांसी जुकाम है तो उन्हें क्या करना, इरा जरा पत्ते ने उरा काढ़ा कने फुलां का काढ़ा कने फलों का वो पीना, उरा नित सेवन करने ते बंदे की सर्दी खांसी पुरानी तो पुरानी भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों तुम जो लगता है कि उजड़ुए की जी जानकारी मैं दी है सही जानकारी दी है, तो इस वीडियो जरूर लाइक करने हो, शेयर करने करें, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करने हो। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।